और डॉक्टर यास्मीन राशिद और सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की मुबैना ऑडियो मंजर आम पर आ गई है। डॉक्टर सर, यहाँ सिचुएशन बहुत खराब हो गई। जी बिल्कुल, पेट्रोल बॉम्ब्स फेंकना शुरू कर दिए हैं लोगों ने, वो अभी इस पे हमारे वर्करों ने, उधर से भी इससे पहले के खून खराब हो जाए, आई थिंक यू नीड टू टॉक टू समबडी एंड इंटरव्यू इमीडिएटली। नहीं नहीं, आई हैव टॉक्ड। आप ये कह दें, आप उनसे कह दीजिए कि मैं बात कर लेता हूँ एंड आई ट्राई टू सॉल्व। खान साहब से नहीं, नहीं मैं आप में समझा नहीं, आप क्या कह रही हैं? देखे सर, इस वक्त तो सिचुएशन ये है, कुछ मर जाएंगे लोग, अभी कुछ पुलिस वाले भी मर जाएंगे, सिचुएशन इतनी बुरी हो जाएगी कि इलेक्शन पोस्टपोन हो जाएगी, जो मकसद था हमारा। ठीक, आई थिंक व्हाट यू नीड टू डू इज टेल हिम, खान साहब के जी, आई थिंक द बेस्ट थिंग इज टू गिव इन एंड फाइट अनदर डे। अदर मैं तो ये, मेरा तो ये ख्याल है, बाकी आप देखेंगे समझे, उन्होंने बात तो आना नहीं। अभी इस वक्त रेंजर्स भी वहाँ हैं, इस वक्त तो पेट्रोल बम चल रहे हैं यहाँ, और अभी उनकी वाटर कैनन को आग लग गई थी। मैं तो क्योंकि आई एम इंटेंशनली सिटिंग आउटसाइड एट द मोमेंट टुडे फॉर द फर्स्ट टाइम, बिकॉज वो जो लोगों को बुलाना और सबको कहना, तो मसला ये है कि दिस इज नाउ रियली रियली गोइंग फ्रॉम बैक टू अस। चलो लेट मी कंसल्ट विद असद आल्सो, क्या क्या। हाँ, असद से तो मैंने बात की, बट असद ने कहा कि आपने कुछ नहीं कहना, असद भी बाहर बैठा हुआ, मैं बाहर बैठी हूँ। ठीक है, मैंने तो ये हाँ बात कर दीजिए, और मेरा ये ख्याल है कि आप शाह साहब से भी बात करिए। ठीक है, सिटिंग इनसाइड विद खान साहब। ठीक है जी, अब इसी पर बात करेंगे। सीनियर एंकर पर्सन नदीम मलिक साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मलिक साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। डॉक्टर यास्मीन राशिद की दूसरी मुबैना ऑडियो जो के सामने आई है, जिसमें वो सदर मुमलिकत से गुफ्तगू करिए, सर क्या कमेंट करेंगे? कि पहले तो सदर साहब की ऑडियो पाकिस्तान में रिकॉर्ड हो जाती है, इससे बड़ा कोई क्राइसिस हो सकता है? ये इससे मुलाकात है सूते अंत में, जब वीर आजम की सदर पाकिस्तान की या फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की ऑडियो जिस तरीके से मार्केट में आती है कि हर मौके के मुनासिब से एक ऑडियो आपको मिल जाती है, लेकिन उससे भी बड़ा जो इशू सामने है वो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब जो कुछ कह रही है। शायद आप इस वक्त पाकिस्तान की अक्सरियत से पूछेंगे तो वो सबकी राय एक ही जैसी होगी कि कोई एक बंदा इंटरव्यू करे और इनको अकल दे, कोई होश के नाखून ले, पुलिस सारे मारे जाएंगे।